मैं मेरे साथी अनिल जी आए हैं। यहाँ फोन आया था कि बोला कोई सांप आया हुआ है। को कह रहे अनिल जी चित्रमल, हाँ चित्रमल जी गुर्जर पार्सली के निवासी हैं। उनके घर पे उनका जो बाड़ा है जहाँ ये पशु बांधते हैं वहाँ वहाँ देखा गया है। वो जा रहा है सामने बोरा, वो जा रहा है वो। हाँ ये रेट है जिसको अभी हमने लगभग 5 फीट का वो जबा देने आपने देखा था सुलेली गुण कर देते हैं ना कट्टो कट्टा पे अनिल कट्टो कट्टा कट्टो इसमें जहर नहीं होता है और किसान मित्र है। चूहा इसका पसंदीदा भोजन है, अभी भी चूहा शिकार किया इसने। और बता रहे हैं घर वाले कभी भी इसने ताजा चूहे का शिकार किया था, लग नहीं रहा कि इसने चूहा खाया है। फिर भी घर वाले कह रहे हैं तो मूवमेंट मत पाटरी वगैरह तू जाना था कटी थी छोड़ दे मामा जी तो मामूली छावे फोन की तो जदी छा रही हो या चीज तो लगभग 6 फीट है। हार क्यों उन रही होगा लग तो नहीं रहा पकड़ने वाला बड़ो वाला भाग गया अति मामला है। कौन कह रहा है ये तो पकड़ रखे इसको हम पैक करेंगे छोटू सी खतरा है डबल कर लो। अरे इसको हमने पैक कर लिया है, अब इसको हम जंगल में रिलीज करेंगे। वीडियो में आगे बने रहे बताते हैं आपको। भैया जैसा कि अभी हमने आपको बताया था ये हैं अनिल जी, इनके ये बाड़ा है इसमें, और मैं और मेरे साथी ने इनको अनिल जी ने इसको रेस्क्यू किया है। लगभग 6 फीट का है, दामन बोलते हैं, और हमने वन विभाग को इसके लिए सूचना कर दी है। और बस इसका मकसद ये है हमको वन्य जीवों को हम परेशान नहीं करें, इनको मारे नहीं। और जब भी कोई इस प्रकार का वन्य जीव दिखता है तो हम हमेशा रेस्क्यू के लिए तत्पर हैं। हमने पब्लिक के अंदर अपने आसपास के एरियाज के अंदर अपने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, जब भी इस प्रकार की कोई जानवर आता है तो वो लोग हमको कॉल कर देते हैं और हम तुरंत जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी जो 6 फीट का दामन रेस्क्यू किया था हमने पारसली गाँव से अनिल जी गुर्जर चीतर जी गुर्जर के यहाँ से, उसको हम यहाँ दूर जंगल में लेकर के आए हैं। हमने वन विभाग को सूचना कर दी है इसके लिए कि जो दामन रेस्क्यू किया है उसके लिए। और हम इसको यहाँ ये जो सामने आपको जंगल दिख रहा है
जैसा कि मेरे साथी अनिल जी कैमरे पर आपको बता रहे हैं, इस जंगल में हम उसको रिलीज करेंगे। साथियों कैमरे में आप बने रहिए, रेट स्नेक हमने रेस्क्यू किया है और ये ज़्यादा विचलन होता नहीं है। अब बिल्कुल आगे तो ये बहुत ही खतरनाक जंगल हैं, जीव जंतु इसमें आते रहते हैं और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। और हम इस सांप को भी यहीं पे रिलीज़ करेंगे। वीडियो में बने रहें, बताते हैं आपको। ये रेड स्नेक हम अभी रिलीज कर रहे हैं। दोस्तों जीव जंतुओं की रक्षा करें, उन्हें मारे नहीं, ये हमारे पर्यावरण का एक अंग है। और ऐसे ही जीव जंतु से प्यार करते रहें। आप देख सकते हैं ये रेड स्नेक जाओ दोस्त, ये जा चुका है, देख सकते हैं ये। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसा कि आज हमने आपके सामने एक रेड रेस्क्यू किया था, हम गांव से 3 किलोमीटर दूर यहां जंगल में उसको छोड़ने के लिए आए हैं, मैं मेरे साथी अनिल जी। हमने उसको यहाँ वन विभाग को सूचना करते हुए उसको यहाँ रिलीज कर दिया है। इस प्रकार से कोई भी जानवर अगर आपको दिखाई दे तो हमें फ़ोन करें, आप इन्हें मारे नहीं। हमारे पर्यावरण का ये अखंड हिस्सा है, अखंड घटक है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही प्यार आप देते रहें हमको, ताकि हम जीव जंतुओं को बचाते रहें। और हमारे वीडियो को शेयर करें, और इन वीडियो में अगर कोई कमी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।